है गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार लवर राजवेंद्र। दोस्तों, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सभी कंपनियों ने फैसला लिया है कि अपने अपनी गाड़ियों को सीएनजी कन्वर्ट करके पेश किया जाए, जो कि बहुत ही इस वर्जन में सबसे आगे नाम आता है मारुति सुजुकी का, जिसका रिफाइंड इंजन सीएनजी के साथ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है और इसका एवरेज इतना अच्छा रहता है कि जिसको कंपनी लोग विश्वास करके खरीद पाते हैं, जिसमें कोई स्मेल का कोई लीकेज का कोई दिक्कत नहीं रहता। तो दोस्तों, स्पोर्ट की गई है गाड़ियाँ, जिसमें स्विफ्ट का भी नाम आया है सामने और स्विफ्ट डिज़ायर का भी नाम आया है, जो कि जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इसकी प्री बुकिंगें भी शुरू हो चुकी है। इसलिए चैनल वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि कौन कौन सी छः गाड़ियाँ हैं सीएनजी वर्जन के साथ में आने वाली है। तो हम बात करेंगे स्विफ्ट डिज़ायर की। तो इसमें मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि रिफाइनरी के साथ में आता है, चार सिलेंडर में, जो कि सीएनजी के साथ में बहुत ही रिफाइंड पड़ने वाला है, जिसका एवरेज निकाला गया है कंपनी द्वारा, जो आधिकारिक पुष्टि की गई इसकी वेबसाइट पर, जिसका 38 किलोमीटर पर केजी का एवरेज कंपनी द्वारा क्लेम किया गया है कि इतना एवरेज ये सीएनजी में आराम से निकाल देगी। तो आप इसे भी ले सकते हैं, ये सेडान है। अब बात करेंगे सेलेरियो की। तो दोस्तों, इस गाड़ी को कहा जाता है एक मीडियम फैमिली की एक बजट वाली कार, जिसका कहा जाता है इसमें वन लीटर का K10 सीरीज़ वाला इंजन आता है, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जो कि 1.3 सिलेंडर में ऑटोमेटिक वर्जन के साथ में भी मिलता है। अब इसकी बात करें, इसको भी सीएनजी वर्जन में मारुति सुजुकी जल्दी लॉन्च करने है, जो कि दिवाली तक आपके शोरूमों पर आ जाएगी। अब बात करेंगे मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी, माइक्रो कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा की। ब्रेजा भी जल्द ही, जिसमें डीजल वर्जन बंद कर दिया गया, इसी को देखते हुए कंपनी द्वारा इसमें 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है, जो कि चार सिलेंडर में बहुत ही रिफाइंड इंजन है और पावरफुल इंजन है, जो कि सीएनजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसको स्पॉट करते हुए देखा, इसकी टेस्टिंग की गई, जिसमें इसे सीएनजी में इसका एवरेज भी 30 किलोमीटर पर केजी के लगभग निकाला गया, जो कि जल्द ही शोरूमों पर आने वाला है और इसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। और इसका 1500 सीसी का सीएनजी में 30 का एवरेज, बहुत शानदार एवरेज, जो कि एसयूवी के साथ में आपको बहुत ही बजट वाली गाड़ी मिलने वाली है 10 लाख के बजट में। अब दोस्तों, बात करते हैं 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन के साथ में, जो कि अल्ट्रोस टियागो और टिगोर में आता है। वही इंजन 3 सिलेंडर में आता है, डीजल वर्जन में लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि इसका टाटा का प्लान है सीएनजी वर्जन में एक माइक्रो एसयूवी देकर लोगों के लिए के लगभग आपको मिल जाएगी, जिसे आप इसे भी आप शोरूम पर जाकर इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं और इसके वर्जन में इसे लाने की यदि आप सोच रहे हैं। तो अब बात करेंगे वेगनार की। मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है वेगनार। वेगनार की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर के साथ नया वर्जन कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, पर बाकी ये पेट्रोल वर्जन में ही आता है। और इसकी बात करें तो इसमें यदि आपको सीएनजी वर्जन चाहिए तो ये 1 लीटर में आपको के सीरीज़ इंजन, जो कि सेलेरियो में आता है, वही वाला इंजन आपको सीएनजी वर्जन में मिलेगा। बाकी ये गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज और इसका एवरेज 35 किलोमीटर पर केजी एवरेज इसका सीएनजी में आपको देखने को। दोस्तों नमस्कार, टाटा मोटर्स की इस हैचबैक के सीएनजी वर्जन की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। और कितना दुना होगा आपको टोकन अमाउंट अगर आप एक दमदार सीएनजी कार खरीदना चाहते हैं तो यहाँ जान सकते हैं। टाटा मोटर की इस बेस्ट सेलिंग हैचबैक के सीएनजी वर्जन की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश की प्रमुख निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपनी बेस्ट सेलिंग हैचबैक टियागो का सीएनजी वर्जन जल्द ही लॉन्च करने वाला है, लेकिन उससे पहले कंपनी ने इस कार की फ्री बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक टियागो सीएनजी के लिए अपने नज़दीकी डीलरशिप पर जाकर इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। इस कार की बुकिंग के लिए टोकन अमाउंट 5000 रखा गया है। इसके साथ अगर आप इसे इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो टिगर ईवी को भी महज 5000 रुपये से टोकन अमाउंट पर बुक कर सकते हैं। टाटा टियागो के साथ टेस्ट ड्राइव के दौरान स्पॉट किया गया, जिसमें इसके काफ़ी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन डिटेल की जानकारी मिली। टेस्ट ड्राइव के दौरान स्पॉट किए गए टियागो सीएनजी को मौजूदा कार से अलग बनाते हुए कंपनी ने इसे एकदम
बम्पर क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, आकर्षक एलईडी टेल रिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टियागो में इंजन की बात करें तो मीडिया के मुताबिक इस बार कंपनी ने इसमें 1.2 लीटर रिवेट्रॉन इंजन दे सकती है। यह इंजन 85 BHP की पावर, 113 Nm के टार्क के साथ 5-speed मैनुअल और 5-speed ऑटोमेटिक वर्क। दोस्तों, अब जाकर पेट्रोल और कीमत 113 रुपये पर लीटर हो चुकी है और CNG की 65 रुपये पर केजी लीटर की कीमत पर केजी कीमत है। तो दोस्तों, इसलिए CNG वर्जन गाड़ी आपको आपके जेब पर ज़्यादा भारी पड़ने वाली नहीं है, इसलिए कंपनियों ने सभी ने CNG वर्जन के लॉन्च करने की फैसला किया, जो कि 6 गाड़ियाँ जो मैंने आप मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएँ और जाते जाते चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, इतनी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि CNG गाड़ियों का मार्केट आने वाले समय में रिफाइनरी, जो कि इसकी स्टेशन भी ज़्यादा बढ़ा रही है, प्रदूषण कम करती है और आपके जेब पर भी भारी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।